मैम, आप इस ब्लड डोनेशन कैंप में आए हैं, क्या कुछ कह रहे हैं आप? सबसे पहले तो आपको नमस्कार। आज जो सैदपुर गांव में है जो ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जा रहा है, वो स्वर्गीय विक्रम सिंह की द्वितीय पुण्यतिथि पर इसका कैंप का आयोजन किया जा रहा है। तो मेरी तरफ से सबसे पहले उनको द्वितीय पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, उनको नमन करते हुए, और एक आज इस गांव में भी एक थोड़ी दुर्घटना हो गई है तो उनको भी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करती हूँ। और जो ये ब्लड डोनेशन जो कैंप लगाया गया है, मैं जितने भी जो डोनर्स हैं, जितने भी, उन सबसे मिली हूँ, मतलब सारे खुश हैं। ब्लड डोनेट करना कोई बुरी बात नहीं, बहुत अच्छी बात है ब्लड डोनेट करना, इससे शरीर जो है स्वस्थ रहता है। और दूसरी बात, मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि जैसे एक्सीडेंट वगैरह होते रहते हैं, जो सड़कों पर वो खून बहता है, मैं ये कहती हूँ सड़क पर खून नहीं बहना चाहिए, हमारी रगों में खून बहना चाहिए। नवदीप, ये जो ब्लड डोनेशन कैंप है जी, इसके बारे में बताइए, और जो संस्था है आपकी लगातार काम कर रही है, इसके बारे में बताइए। जी, हमारी संस्था का नाम सेवा ट्रस्ट यूके इंडिया के नाम से है, जो जिसका हेडक्वार्टर अंबाला में है। उसी के थ्रू हम इस कैंप को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो कि हमारे जो विक्रम जी हैं उनकी द्वितीय पुण्यतिथि है, उसके ऊपर इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। सुरेंद्र, ये जो आपका संगठन है सेवा ट्रस्ट यूके इंडिया, इसके बारे में थोड़ा बताएं, कौन कौन से ये काम कर रही है, सामाजिक कार्य कर रही है, इनके बारे में थोड़ा बताएं। जी, जो ये हमारा संगठन है सेवा ट्रस्ट सैदपुर, ये जी एक तो जैसे कोई कन्या के जन्म पर कुछ जो श्रद्धा अनुसार उनको सम्मानित करने के लिए कन्यादान राशि, और विवाह शादी में जी कन्यादान राशि, और जो गांव में कोई भी जो ऐसा जो काम है कि जहां इस ग्रुप की हमें जरूरत पड़ेगी और उनका हम सहयोग हर सर से कर सकते हैं, चाहे वो ब्लड डोनेशन कैंप हो या आँखों का कैंप हो आगे आने वाले समय में, या जैसे कोई कन्या जन्म पे कुआ पूजन पे कुछ सहायता राशि की जाए, योगा कैंप है, और जी एजुकेशन और स्पोर्ट्स में ज़्यादा ध्यान है इस ग्रुप का। कैसा लग रहा है आपको? सर, बहुत बढ़िया लग रहा है, और पहली बार ब्लड डोनेट कर रहा हूँ मैं। क्या कुछ कहना चाहोगे और जो युवा है? देखो, ब्लड डोनेशन में तो बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए, जिससे ब्लड प्यूरीफाई भी हो जाता है बॉडी का, और कोशिश ये करनी चाहिए कि साल में 2 से 3 बार ब्लड डोनेट किया जाए। देखिए, इसके काफ़ी क्राइटेरिया होते हैं ब्लड डोनेशन के लिए। एक तो एज क्राइटेरिया होता है, 20 से अबव होना चाहिए और 50 से बिलो होना चाहिए इसका क्राइटेरिया। और जो फीमेल्स होती हैं खासकर, उनका ब्लड कम होता है, तो हम HB भी देखते हैं कि उनका HB नॉर्मल रेंज में है या नहीं है। तो काफ़ी क्राइटेरिया होते हैं जिसके हम बेसिस पे हम ब्लड डोनेशन करते हैं, और उसको कोई लंबी बीमारी नहीं होनी चाहिए, कोई क्रोनिक इलनेस नहीं होनी चाहिए, ये होना चाहिए क्राइटेरिया। नमस्कार सर, मेरा नाम अंकित मलिक है और मैं सेवा ट्रस्ट यूके की तरफ से आया हूँ। हमारा जो ये संगठन है, ये 2016 से एक्टिव है। ये हमारा संगठन, हमारे फाउंडर हैं चरण कनवाल सिंह सिखो, इनके द्वारा ये फाउंड किया गया था। स्टार्टिंग में ये सिर्फ एक सेवा था नाम से, जैसे सोशलाइजेशन सेवा इसमें था। उसके बाद हमारा जो ये संगठन है, ये एजुकेशन की फील्ड में, हेल्थ की फील्ड में, स्पोर्ट्स एंड योगा की फील्ड में, सोशल वेलफेयर की फील्ड में, एनवायरनमेंट अवेयरनेस की फील्ड में एक्टिव है हमारा। सर, हमारा जो ये संगठन है, इसमें जैसे सेवा ट्रस्ट यूके, इसमें एक सेवा ट्रस्ट यूके इंडिया है। जो सेवा ट्रस्ट यूके है, ये यूके में ऑपरेट करता है, यूनाइटेड किंगडम में, और जो ये सेवा ट्रस्ट यूके इंडिया है, ये इंडिया में ऑपरेट करता है। इंडिया में ये हमारा संगठन नॉर्थ में ऑपरेट करता है, पंजाब में और हरियाणा में मेनली, और यहाँ अंबाला में हमारा हेडक्वार्टर है ये संगठन है। इसके बारे में थोड़ा, आज का हमारा ये कैंप ब्लड डोनेशन का कैंप है। यहाँ पे हम कम से कम 50-60 यूनिट हमारे ब्लड की आ चुकी है अभी तक। नमस्कार जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, हम हेल्थ के अलावा शिक्षा के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं। हम अपनी संस्था के थ्रू एक बायजूस का, आपने नाम सुना होगा, बायजूस का कनेक्शन प्रोवाइड कराते हैं उन बच्चों को, जो बच्चे गरीब हैं, जिसके माता या पिताजी में से किसी एक की डेथ हो रखी हो, या फिर कोई गरीब परिवार से हो, किसान का बेटा हो, या फिर कोई आशा वर्क जो DC रेट पे जो एम्प्लॉई लगे हुए हैं उनमें से किसी का बच्चा हो, तो उसको हम 3 साल के लिए फ्री एजुकेशन का लिंक बायजूस की तरफ प्रोवाइड कराते हैं।